हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में अक्सर आपसे सवाल पूछे जाते हैं इस विषय से, भारत में शिक्षा का विकास या भारतीय शिक्षा का इतिहास। आप चाहे किसी भी विश्वविद्यालय में एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम दें, आपका सिलेबस में ये जरूर होगा कि भारत में शिक्षा का इतिहास क्या है, भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ, तो इसके बारे में सवाल आपसे पूछा जाता है। अवध विश्वविद्यालय एमएड प्रवेश परीक्षा की बात करेंगे तो उसमें 10 प्रश्न इस पॉइंट से जुड़े हुए होते हैं, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं 10 प्रश्न, ठीक है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न और जानेंगे कि कैसे इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं एमएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आपसे है कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है, कौन सा था विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय या तक्षशिला विश्वविद्यालय। दोस्तों, इसका सही उत्तर है तक्षशिला विश्वविद्यालय, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है था। दूसरा प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि बौद्ध धर्म का विकास कहाँ हुआ, बौद्ध धर्म का विकास कहाँ हुआ, विद्यालयों में, मठों में, मदरसों में या इनमें से सभी। आप बताएं, आप इसका जवाब बताइए कि बौद्ध धर्म का विकास कहाँ हुआ था, विद्यालयों में, मठों में, मदरसों में या इनमें सभी। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है मठों में। बौद्ध धर्म का विकास कहाँ हुआ, मठों और विहारों में। जब आपने बौद्ध धर्म के इतिहास के बारे में पढ़ा होगा या बौद्धिक शिक्षा के बारे में पढ़ा होगा, तो बौद्ध धर्म का विकास मठों और विहारों में हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में ईसा पूर्व 600 वर्ष तक के काल को किस नाम से जाना जाता है। देखिए, ये पहले की बात की जा रही है, मतलब 600 ईसा पूर्व वर्ष तक की बात की जा रही है, तो ये बिल्कुल प्राचीन काल है और प्राचीन काल को क्या कहते हैं, वैदिक काल कहते हैं। तो यही इसका सही जवाब होगा, ठीक है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि व्याकरण व तर्क शिक्षा, व्याकरण व तर्क शिक्षा कहाँ दी जाती थी। व्याकरण व तर्क शिक्षा दी जाती थी चरण में, विश्वविद्यालय में, परिषद में या विद्यापीठ में। आप इसका सही जवाब बताएं कि व्याकरण व तर्क शास्त्र की शिक्षा कहाँ दी जाती थी, चरण में, विश्वविद्यालय में, परिषद में। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों विद्यापीठ में। दोस्तों, अब ऐसे कुछ प्रश्न देखेंगे, ठीक है। बौद्ध काल में किसको छोड़कर सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, बौद्ध काल में किसको छोड़कर सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। तो दोस्तों, पहला विकल्प है चंडालों, दूसरा शिक्षार्थी। तो शिक्षार्थी को तो आप मना नहीं कर सकते शिक्षा प्राप्त करने से, ए और बी ऑप्शन होगा नहीं। तो आपका सही जवाब है चंडालों को, बौद्ध काल में चंडालों को छोड़कर सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 12वीं से 18वीं शताब्दी तक की अवधि को किसकी संज्ञा दी जाती है। दोस्तों, आधुनिक काल तो होगा नहीं क्योंकि आधुनिक काल अभी चल रहा है, बौद्ध काल तो उससे पहले के काल है। तो 12वीं से 18वीं शताब्दी तक की अवधि को हम मध्यकाल के नाम से जानते हैं या फिर उसको मध्यकाल की संज्ञा दी जाती है। ओके, हम मूव करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आपका अगला प्रश्न है, बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 ईस्वी में किसने की थी। ठीक है, एक बार प्रश्न मैं फिर से रिपीट कर दूं, बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 ईस्वी में किसने की थी। लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले नहीं की थी क्योंकि लॉर्ड मैकाले तो 1813 ईस्वी में आज्ञा पत्र के बाद आए थे और संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना 1791 ईस्वी में हुई थी। जोनाथन डंकन, बिल्कुल यही सही जवाब होगा क्योंकि लॉर्ड डलहौजी भी बाद के गवर्नर जनरल बने और कैनिंग भी। तो सही आपका उत्तर होगा दोस्तों कि बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन ने की थी, ठीक है, 1791 ईस्वी में। अब हम बात करेंगे किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने शैक्षिक आज्ञा पत्र जारी किया था। इसको हमने कई बार पढ़ा है, आज्ञा पत्र कब जारी हुआ था, आज्ञा पत्र को कहते ही हैं 1813 आज्ञा पत्र, ठीक है। तो 1813 ईस्वी में आज्ञा पत्र जारी हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ठीक है। लॉर्ड मैकाले के विवरण पत्र को कब प्रस्तुत किया गया था, ये भी इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। 1813 ईस्वी के आज्ञा पत्र को समझने की, 43वीं धारा को समझने के लिए लॉर्ड मैकाले ने एक विवरण पत्र जारी किया था। विवरण पत्र कब जारी किया था, विकल्प है 2 जनवरी 1819, बिल्कुल नहीं क्योंकि 1813 में ही तो आज्ञा पत्र आया था। 2 फरवरी 1825, ये भी नहीं। 2 मार्च 1830, ये भी नहीं। आपका सही जवाब है दोस्तों 2 फरवरी 1835 ईस्वी को लॉर्ड मैकाले ने अपना विवरण पत्र जारी किया था।
ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे, लॉर्ड मैकाले ने अपने विवरण पत्र में 1813 आज्ञा पत्र की किस धारा की व्याख्या की थी? तो कौन सी धारा? धारा 43वीं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, धारा 43वीं की उन्होंने व्याख्या करी थी। 53 गलत जवाब, 63 गलत जवाब, 71 गलत जवाब, ठीक है। 1813 में यह आज्ञा पत्र जारी हुआ था, बड़ी सावधानी के साथ आपको प्रश्न करना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, मैकाले के विवरण पत्र को किसके द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी? उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड एटनबरो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंक और रानी विक्टोरिया। तो बहुत अच्छा प्रश्न, मैं चाहता हूँ आप इसका जवाब दें कि मैकाले के विवरण पत्र को किसके द्वारा स्वीकृति प्राप्त की गई थी। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष को आधुनिक भारत शिक्षा के विकास की किशोरावस्था की संज्ञा प्रदान? किशोरावस्था मतलब नवयुवक की बात की जाती है, किशोरावस्था। तो कौन से वर्ष को? 1840, 1843, 1850 और 1853। 1853 से एक चीज़ आपको और याद रखना है कि 1858 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन, इसका एक मुख्य कारण ये था कि भारत के लोगों ने शिक्षा ग्रहण शुरू कर दिया था और अपनी आज़ादी की बात करनी शुरू कर दी थी, और उस समय भारत में एक नवयुवक समाज रहता था, इसीलिए सही जवाब है किशोरावस्था का 1853 ईस्वी, जिसके बाद से 5 साल बाद 1858 में क्या हुआ था? स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे दोस्तों, कि वुड का घोषणा पत्र कब प्रस्तुत किया गया था? तो दोस्तों वुड का घोषणा पत्र कब प्रस्तुत किया गया था, तो आप इसका आंसर बताएं 1848, 49, 54 या 59 में वुड का घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया था। बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों 1854 ईस्वी में। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 को किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के, राजेंद्र प्रसाद जी के या जवाहरलाल नेहरू जी के? तो इसका सही जवाब है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के अध्यक्षता में, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की अध्यक्षता में गठन किया गया था। किस आयोग को मुदालियर आयोग, ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि किस आयोग को मुदालियर आयोग के नाम से जाना जाता है, और दोस्तों मुदालियर आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, या इनमें से कोई नहीं। मुदालियर आयोग किस आयोग को मुदालियर आयोग के नाम से जाना जाता है? दोस्तों आपका सही जवाब है माध्यमिक शिक्षा आयोग को मुदालियर आयोग के नाम से जाना जाता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था, ये कुछ वर्ष हैं जिसको आपको याद करना पड़ेगा। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन हुआ था आपके 1952 से 1953 ईस्वी में। मुदालियर आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मुदालियर आयोग मतलब कौन, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मुदालियर आयोग के अध्यक्ष थे दोस्तों डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालिया। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इसको याद कर लीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न आता होगा कि मुदालियर आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जी। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे दोस्तों, एक लास्ट प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया था, ये भी एक प्रश्न है, इसको याद करना पड़ेगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था 10 जनवरी 1960 में, या 11 मई को 1962, 1964 या अप्रैल 1960 में? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था आपका 14 जुलाई 1964 ईस्वी को, आपका सही जवाब होगा 14 जुलाई 1964। दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करेंगे, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। हमने टोटल 18 प्रश्न देखे और हमने देखा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक खास मैं रिक्वेस्ट आप सबसे करना चाहता हूँ कि एंट्रेंस एग्जाम्स में कौन से प्रश्न बनते हैं ये गेस कर पाना बहुत मुश्किल है। मेरी कोशिश थी कि मैं थोड़ा बताऊं कि किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एक संभावना व्यक्त की जा रही है यहाँ पे। इसके अलावा भी और प्रश्न हम देखेंगे इससे संबंधित, भारतीय शिक्षा के इतिहास से संबंधित, लेकिन इस वीडियो में फिलहाल 18 ये प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे प्रश्न आते होंगे। एक बार और देखिए, दोबारा देखिए, जो प्रश्न आपको नहीं आए उसका नोट बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ताकि ये आपको हेल्प करेगी एमएड प्रवेश परीक्षा में, एमएड एंट्रेंस एग्जाम्स में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस प्रकार के और वीडियो को भी जारी रखा जाएगा मेरे चैनल पे। कमेंट में अपनी राय दें, फीडबैक दें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब को
सब्सक्राइब करिए, साइड वाले घंटी के आइकॉन को भी दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, और मेरे चैनल से जुड़िए, एक साथ मिलके पढ़ेंगे और एमएड की तैयारी करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आपको एमएड गवर्नमेंट कॉलेज मिले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद जय भारत।